तो गाइस ये है मेरे पास आज स्कल कैंडी का 6 सीबो एयरबड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एयरबड को फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि गाइस अगर आप सबको ये जो फैक्ट्री रीसेट है वो कब करना चाहिए, तो गाइस अगर आप सबसे ये डबल पेयरिंग नहीं हो रहा है, यानी कि आपसे में एक पेयर हो रहा है और एक में साउंड नहीं आ रहा है, तब आप सबको इसको रीसेट फैक्ट्री रीसेट कर लेना चाहिए। अगर आप सबको कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आप इसको अपने एयरबड को फैक्ट्री रीसेट करके ठीक कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए आप सबको मैं बता दूं कि आप सबको फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सबको देखना होगा कि आपके जो एयरबड है वो दोनों चार्ज होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और चार्ज होने के बाद आप सबको सिंपली करना है क्या, जैसे जैसे मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा वैसे वैसे आप सबको करना है। तो गाइस ये देख लीजिए चार्ज है और यहां लाइट भी जल रहा है, तो आपको करना क्या, ये दोनों बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, दोनों एयरबड के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और सबसे पहले इस एयरबड को ऑफ कर लेना है दोस्तों। मैंने इस एयरबड को ऑफ कर लिया है और ऑफ़ करने के बाद इसको कुछ टाइम तक ऐसे दबा के रखना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। और छोड़ देना कुछ सेकंड होने के बाद दोस्तों, थोड़ा वेट करना, उसके बाद आप सबको फिर से इसी दोनों बटन को एक ही साथ दोनों बटन को आपने फिर से प्रेस करके रखना है और ये पेयरिंग ऑन हो जाएगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिर ऑफ हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए ये अब परमानेंट ऑफ हो चुका है और ये अपना फैक्ट्री रीसेट भी हो चुका है दोस्तों। तो इसके बाद आपने इसको हटाना है हाथ को। तो गाइस इस तरीके से जो आपका एयरबड है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। इसके बाद आपने चार्जिंग केस में रखना है, इसको आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक ये पेयरिंग मोड पर ऑन हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप सब अपने एयरबड में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको सिंपली तरीके से रिमूव कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है आप सबको एयरबड में, वॉल्यूम से रिलेटेड पेयरिंग का ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी जो भी छोटे से छोटा प्रॉब्लम अगर आप सबको कोई दिक्कत आ रही है अपने एयरबड में, तो उसको फैक्ट्री रीसेट करने से आप सबका एयरबड में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद अपने चार्जिंग केस में से ऑटोमेटिक निकालोगे तो ऑटोमेटिक ही ऑन होकर पेयरिंग मोड पर हो जाएगा और दोनों आपस में कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आप सब अपने 6 सीबो एयरबड को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो गाइज़ आप सबको ये जो ट्रिक है कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।